हेलो, सब कैसे हैं? मैं ना लेयर कट आगे का सिखा रही हूँ। तो देखो, तो फ्लिक्स जो होती है ना बड़ी सी, उसको कैसे कट करना है मैं ब्लो ड्राई करके ही दिखाऊंगी लास्ट में। लेकिन अभी देखो उसका टेक्निक, देखो उसको कैसे कट करना है। पूरा फ्रंट लेयर, फिर फ्रंट में और आगे का जो फोरहेड है ना, वो अगर बड़ा है तो उसको कैसे कवर करेंगे साथ में। पहले बालों को वेट करो, और कान के आगे से जो बाल है ना वो हमको लेना होता है, तो कानों के जो आगे के बाल है ना वो ले लो पहले। जो कानों से आगे ना पहले इसको कोम करो, और जो कान के आगे के बाल है ना, और बहुत इजी तरीके से बताऊंगी मैं कैसे करना है। देखो कैसे करना है, देखो ये देखो, ये ऐसे लिया, सिर्फ जो कान से आगे के है ना वही हेयर लेना है। ये पूरी एक लाइन इस तरह से पूरी जाएगी, और उस तरफ भी ऐसी होगा। समझ में आ गया? ये देखो पूरी लाइन ये इस तरह से जाएगी, और इधर भी वैसे ही होगा। दूसरी तरफ भी उसी तरह से लेना है। अब ये मैंने देखो ले लिया है, बीच की मांग लिया है। अब मैं इधर से देखो ये कट लूँगी ऐसे हेयर को, स्टार्टिंग का। ये देखो ट्रायंगल जैसे दिखाना है, ये देखो। और इतना याद रखना, जो आईब्रोज का ये जो होता है ना पॉइंट, इसको यहाँ से इस तरह, और ये यहाँ से इस तरह, इतना ही लेना है। ये देखो ये, और लेयर कहाँ से शुरू करना है? चिन से शुरू करना है। तो चिन से एक इंच आधा इंच नीचे लेंगे, और इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्यों करेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने ट्विस्ट किया है, और कहाँ तक लिया है, चिन से नीचे। मैंने एक इंच नीचे लिया है, क्योंकि बाल ड्राई होते हैं तो ऊपर जाते हैं। और ट्विस्ट क्यों किया है, क्योंकि देखो ये पॉइंट मैं पकड़ती हूँ, आपको बताती हूँ। ये देखो ट्विस्ट किया है, अब मैं सीधा कर रही हूँ। क्यों? जब ट्विस्ट करते हो तो ये वाला बाल इधर जाता है और ये वाला बाल इधर जाता है, तो इनकी लेंथ बढ़ती है। जब ये बाल इधर जाएगा और आप कट करोगे तो लेंथ लंबी रहेगी, तो जो बीच के जो बाल रहते हैं वो छोटे हो जाते हैं और साइड में लंबे हो जाते हैं। देखो इस तरह से, ये देखो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहे हैं। ये भी ब्लू ड्राई होएगा तो दिखेगा आपको। ये देखो ऐसे जा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हम फिर हम कंटिन्यू ले सकते हैं। देखो अब मैंने ये पहला मेरा बेस हो गया है, गाइडलाइन हो गई मेरी। तो अभी मैं गाइडलाइन को ही लेके करूँगी मैं। देखो मेरा हाथ किधर है, मेरा एंगल देखो, मैं पीछे से खड़ी हूँ और मैंने इस तरह से इसको पकड़ा है, और अब मैं, ये मेरी गाइडलाइन है। बहुत सिल्की वाले तो आप ड्राई भी काट सकते हो, लेकिन अगर वेव है तो आपको गीला करना ही पड़ेगा। मैं किधर ले रही हूँ, नोज़ के सामने है ना, नोज़ के सामने लेना है, और कैंची सिर्फ टच करना है, ज़ोर से नहीं दबाना है। ज़ोर से दबाओगे तो पूरा कट जाएगा। और अभी मैं एंड में एक टेक्निक बताऊंगी, आप वो ध्यान से देखो। तो वीडियो को एंड तक देखो, आपको अच्छी टेक्निक देखने मिलने वाली है आज। देखो मैंने नोज़ के सामने लिया है, एंगल एकदम बराबर होना चाहिए। और देखो मैं सिर्फ सीज़र को हल्का हल्का दबा रही हूँ, ज़ोर से दबाऊंगी तो ज़्यादा कट जाएगा। इसे दबाते हुए आ जाना है। देखो है ना, इस तरह से कटा रहा। और ब्लो ड्राई के बाद एक बार चेक करना ज़रूरी होता है। आप कितने बड़े भी आर्टिस्ट हो, ब्लो ड्राई के बाद आप एक बार चेक करो, ज़रूरी है। ये इस तरह से लेते जाना है, लेते जाना है।
अभी मैं इसको ब्लो ड्राई करके आपको दिखाऊंगी। अभी मैं उस तरफ का काटती हूँ वही टेक्निक से, फिर आप देख लो। वो जो जो उसमें ना ब्लैक एप्रन था तो समझ में नहीं आ रहा था, तो इसके लिए हम अभी मैं काटूंगी नहीं, सिर्फ अभी आप देख लो, क्योंकि वो ब्लैक एप्रन की वजह से दिख नहीं रहा था वीडियो में। तो इसको इस तरह पकड़ना है, इस तरह पकड़ना है, और यहाँ से कैंची सिर्फ टच करते हुए यूं यूं करते हुए कट 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 करते हुए नाक के सामने से ऐसे निकाल देना है। तो ये हमारा एक हो गया। अभी जब हम लोग ये वाला कट करेंगे ना, तो इसको कैसे करना है, इसको सामने खड़े रह के करना है, इसको सामने से करना है, लेकिन नोज़ तक ऐसे आना चाहिए, है ना, सेम। तो अभी आप उसको देख लो, मैं काट के काट देती हूँ। आप ये देखो, ये ऐसे लेना है, नोज़ के बिल्कुल सामने ऐसे आना है, और यहाँ से काटते हुए ये पकड़ना है, इस तरह से स्ट्रेट पकड़ना है, और ऐसे काटना है, ऐसे कर करते बहुत ज़ोर से कैंची नहीं दबना चाहिए, स्लो 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 कैंची टच करना चाहिए। इस तरह से पीछे से पकड़ना है मेरे फिंगर के पीछे से, और इसको ऐसे करके टच करते हुए चले आना है। अब पूरे बाल लेना है, ये वाले बाल भी लेना है, और इनको भी इसी तरह से करना है, सीजर को सिर्फ टच करना है, टच सिर्फ टच करना है, और नीचे तक ऐसे ही आना है शार्प एकदम। आप देखो ये जो हमने यहाँ पे लिया था, इसको क्या करना है, ये वाले बाल जो है ना उनको इस तरह लेना है, एक पतली सी स्लाइस लेना है, देखो ये, और फिर इसको भी इसी तरह से ऐसे लेना है, फोरहेड में कवर करना है ना। और पहले समझ लो कि क्लाइंट को क्या चाहिए, उसके बाद में काटना शुरू करो। ये देखो मैंने बहुत पतला फाइन एकदम लिया है, और अब मैं इसमें ये देखो, और इस तरफ का आधा लेके इस तरफ आने हैं, ये जो बाल हैं ना आगे वाले, इनको छोटा रखना है, और साइड वालों को थोड़ा सा बड़ा करना है, इन बालों को इस ऐसे काटना है, ये एंगल में, स्ट्रेट नहीं है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यहाँ से भी इस तरह जाना है। मास्क ऐसे नहीं दिख रहा है ना, काला मास्क है, काला मास्क है ना, नहीं समझ में आ रहा।